Hello and welcome to Java Expert Training Program powered by Credible Academy. And my name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. और आज हम देखेंगे command line argument, ठीक है ना? हमेशा आपने जब भी प्रोग्राम बनाया होगा जावा में तो आप हमेशा देखते होंगे कि हम मेन के अंदर ये एक स्ट्रिंग की एरे और आर्ग्स लिखते हैं. इसका क्या मतलब होता है? तो बेसिकली ये यूज होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के लिए, ठीक है ना? तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की और ये कैसे हम पास कराते हैं आर्ग्यूमेंट और कैसे उसको शो कराते हैं, ये हम इस लेसन में देखने वाले हैं, ठीक है ना? तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिखने वाला हूँ और यहाँ पर मैं ये जो args मैंने लिखा है इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है ना? सेव करते हैं फाइल को और कंपाइल करते हैं. और ये यहाँ पर एक मैसेज मुझे मिल गया है जावा लैंग स्ट्रिंग डॉट ये. अल्टीमेटली मैसेज इसलिए मिला है क्योंकि मैंने कोई आर्ग्यूमेंट तो पास करा ही नहीं है. जब आर्ग्यूमेंट पास नहीं कराई है तो वो प्रिंट भी नहीं होगी, ठीक है ना? चलिए अब मैं वापस ये काम कर रहा हूँ दोबारा से और आप इसको देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा. जब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो मैं लिखता हूँ जावा, ठीक है ना, और अपनी क्लास का नेम और उसके साथ में एक स्पेस लगाकर मैं यहाँ पर वो आर्ग्यूमेंट पास करा सकता हूँ. जैसे मैं यहाँ पर पास करा रहा हूँ क्रेडिबल, तो क्या होगा, वहां पर क्रेडिबल प्रिंट हो जाएगा. इसको प्रिंट कराने के लिए हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी कौन सी आर्ग्यूमेंट है. तो ये हमारी, क्योंकि स्ट्रिंग की एरे है तो वहां पर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट हो सकती है, तो हमने यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर जीरो आर्ग्यूमेंट लगानी है. चलिए एक बार इसको वापस से कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद अब देखते हैं ये क्रेडिबल आ गया है, ठीक है ना? मैं ऐसे ही करके दो आर्ग्यूमेंट पास करा सकता हूं. वापस से कंपाइल करता हूं और फिर क्रेडिबल और एक दूसरी आर्ग्यूमेंट में पास करता हूं अकेडमी. तो क्रेडिबल एंड अकेडमी, ये दो आर्ग्यूमेंट मेरी यहां पर रिसीव हो गई है. तो अल्टीमेटली कमांड लाइन में मैं आर्ग्यूमेंट पास कराता हूं और ऐसे मैं उसको रिसीव कर सकता हूं, ठीक है ना? चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं और मैं यहाँ पर आपको एक और चीज इंट्रोड्यूस कराता हूँ, फॉर ईच लूप, ठीक है ना? फॉर ईच लूप क्या होता है, अल्टीमेटली अगर कोई एरे है मेरी तो एरे को प्रिंट करने के लिए हम फॉर ईच लूप यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है ना? चलिए मैं देखता हूँ फॉर ईच लूप कैसे यूज करते हैं. फॉर किस टाइप की आर्ग्यूमेंट है, स्ट्रिंग टाइप की, और उसका एक नाम लिख लेते हैं जैसे ए आर, ठीक है ना? और कहाँ पर मेरी आर्ग्यूमेंट रिसीव हो रही है, ए आर जी एस में. और मैं यहाँ पर जाने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है ना? और मैं यहाँ पर ar को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है ना? सेव करते हैं प्रोग्राम, कंपाइल करते हैं वापस से और मैंने इस बार दो आर्ग्यूमेंट पास कराई है, क्रेडिबल अकेडमी, ठीक है ना? इस बार मैं एक और पास कराता हूँ मुंबई, तो क्रेडिबल अकेडमी मुंबई, ठीक है ना? मैं और पास कराकर देखता हूँ माई नेम इज मोहसिन, ठीक है ना? तो ये अलग अलग मेरी आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास हो गई है. एक एरर भी आ सकती है, उसको भी मैं बता देता हूँ. अगर मैं यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट पास ना कराऊं, ठीक है ना, तो क्या होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है ना? चलिए तो मुझे एक काम करना होगा, अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो इफ लगाऊंगा और मैं देखूंगा ए आर जी एस आर्ग्स डॉट एल ई एन जी टी एस लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना? तो ये काम होना चाहिए, ठीक है ना? आर्ग्यूमेंट प्रिंट हो जानी चाहिए और एल्स में क्या लिख देता हूं, मैं एल्स में एक मैसेज प्रिंट करा देता हूं, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट. कंपाइल करते हैं प्रोग्राम, सॉरी कंपाइल, और मैं इसमें एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास कर रहा हूं, ठीक है ना? तो देयर इज नो आर्ग्यूमेंट.
और अगर मैं एक कोई आर्ग्यूमेंट पास कराना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिखा क्रेडिबल, तो उस वक्त में क्रेडिबल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फोर ईच लूप है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, जो भी एरे, ये हमारा अल्टीमेटली एक एरे वेरिएबल है, ठीक है ना, उसको हम यहाँ पर एक कॉलन लगाकर और जिसमें भी मुझे वैल्यू पास प्रिंट करानी होती है उस वेरिएबल का नाम लेते हैं, साथ में यहाँ उस वेरिएबल का डिक्लेरेशन भी होता है, ठीक है ना। मैंने स्ट्रिंग AR डिक्लेयर किया, कॉलन लगाया और जो हमारा ये एरे है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। इसको आप एक बार नॉर्मल भी प्रैक्टिस कर लीजिए, फोर डेज लूप को स्ट्रिंग की एरे बनाकर, बहुत सिंपल है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और हमने ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पर देख लिया। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जो बहुत सारे एक्सपीरियंस जो जावा प्रोग्रामर हैं, ठीक है ना, और वो जो बात समझते हैं, अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम है उनके सामने ये आती है, ये जो हम वेरिएबल लिखते हैं हमेशा, हम आप देख रहे होंगे हम हमेशा ARGS लिखते हैं, तो क्या ये ARGS लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर मैं इसको यहाँ पर ARGS ना लिखकर यहाँ पर किसी का नेम लिख दूँ, जैसे राहुल, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं, ये सिर्फ एक वेरिएबल का नेम है, ठीक है ना। राहुल जो है और जो ARGS था वो एक वेरिएबल का नेम था, बस मुझे यहाँ पर क्या रखना होगा, वो सेम नेम रखना होगा, ठीक है ना राहुल, ठीक है। तो एक ये लेटरल है हमारा, मैंने कंपाइल किया कोड और कंपाइल करने में ARGS, अच्छा हमने एक जगह चेंजेस नहीं किए, यहाँ पर राहुल, ठीक है ना। क्रेडिबल और ये प्रिंट हो गया है, तो अल्टीमेटली राहुल का तो कोई मतलब नहीं था यहाँ पर। मैंने तो सिर्फ इसलिए आपको ये बताया है कि आप एक ऐसी धारणा, एक ऐसा मिथ बनाकर मत चलिएगा कि ये जो स्ट्रिंग और एरे हम जो लगाते हैं और उसमें ARGS लिखना ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये कोई एरर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल का नेम है, आप इस नेम को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ARGS लगाएं। कभी कभी मैंने देखा है कुछ लोग क्या गलती करते हैं, उनके प्रोग्राम में एरर आती है और उनको एरर नहीं मिलती है, तो बाद में वो देखते हैं कि मैंने गलती से जो है यहाँ पर ARGS की जगह ARTS लिख दिया, वो इसको भी सही करने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ARGS की जगह आपने कुछ और लिख दिया तो ये कोई गलती होगी, ये कोई एरर होगा, ठीक है, ये कोई एरर नहीं होता है, ये सिर्फ एक वेरिएबल का नेम है, वो कुछ भी आप लग सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा अल्टीमेटली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स करके देख सकते हैं, ठीक है ना, और इसका कुछ टेस्ट करके देख लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं इससे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।